हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, आज एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, 4.11 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक प्रॉब्लम ले रहे हैं। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ऑफ रेडियस आर या डार्बी। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ये ध्यान में रख दीजिएगा, एट द सेम सेंटर। ठीक है, सेम सेंटर टू सर्किल्स आर देयर, दैट इज द मीनिंग। ठीक है, अगर आप दिखाना चाहे तो ये भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये सर्किल है, दिस इज द सेंटर, एंड अनदर सर्किल इज, दिस इज द सेम सेंटर, दिस इज आर ए एंड दिस इज बी ए एंड आर बी 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 एंड बी बी आर स्पीड्स। सो ये दिया है हमें। ठीक है, विद स्पीड वी ए एंड बी बी रेस्पेक्टिवली, द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, इसका मतलब क्या है? टी ए इज इक्वल टू टीबी इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज सेम। ठीक है, सो द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड, सी हियर एंगुलर स्पीड, इट इज ओमेगा, इट्स नॉट स्पीड एक्चुअली। सो व्हाट ही इज आस्किंग, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए टू दैट ऑफ बी विल बी। सो इसका मतलब क्या है? ओमेगा ए बाई ओमेगा बी इज हाउ मच। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? तो वो है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। सो डायरेक्टली वी कैन राइट 2π/ओमेगा ए इज इक्वल टू 2π/ओमेगा बी, दैट्स ऑल। सो 2π 2π विल गेट कैंसिल, ओमेगा ए विल बी सेंट हियर, इट इज 1। सो ओमेगा ए बाई ओमेगा बी इज इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर, दैट्स ऑल। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो दिस इज द ऑप्शन फॉर दिस। सो द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, वी ए बाई बी बी भी कितना है? अगर वी ए बाई बी बी पूछा है, मान लो वी ए बाई बी बी इज इक्वल टू हाउ मच, ये क्रिएटेड क्वेश्चन है, दिस इज क्रिएटेड क्वेश्चन। ठीक है, सेम प्रॉब्लम, लेकिन अगर ये ओमेगा ए बाई ओमेगा ए बी पूछे तो ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो यही है, ओमेगा ए बाई ओमेगा बी इज इक्वल टू 1:1, दैट इज। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन को पूछा तो वी ए बाई वी बी कितना है, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर पूछा तो, सो टाइम पीरियड सेम है, सो टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ वी ए विल बी 2π/RA/BA इज इक्वल टू 2π/RB/BB, दिस इज द थिंग। ठीक है, सो 2π 2π विल गेट कैंसिल, वी ए वी कैन सेंड हियर, वी ए बाई बी बी इज इक्वल टू RA/RB। सो अगर ये क्वेश्चन पूछा तो ये आंसर है। ठीक है, लेकिन द गिवन क्वेश्चन दे आस्क्ड फॉर एंगुलर स्पीड्स, सो वी ए बी बी का जरूरत है ही नहीं है हमें। सो सीधा ये फॉर्मूला यूज करो, ये ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन ये है। अगर वी ए बाई बी बी पूछा तो, ये पूछा नहीं है इस क्वेश्चन, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो यही है। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो नीट के क्वेश्चन ही है ये। ठीक है, तो इतना ही है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा है नीट में, तो आज बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।